फ्रेंड्स, मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं मेरा एजे इन्फो चैनल। एजे इन्फो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक रेडमी का मॉडल लेके उसका साउंड माइक स्पीकर का प्रॉब्लम देखेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम स्पीकर, छोटा वाला स्पीकर, तो इस तरह से रेडमी 9 पावर का बोर्ड है, ज्यादातर इसका सीमेटिक ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हार्डवेयर सॉल्यूशन में उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हमने हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन किया है। ये इस तरह से ये दोनों लाइन माइक की है, बीएस लाइन और माइक पॉजिटिव लाइन, ये हमारी माइक की दो लाइन है और ये स्पीकर आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लाइन है। ये लाइन हमारे नीचे सब बोर्ड में जाके वहाँ से इसका वर्किंग होता है और ये स्पीकर का ऊपर की तरफ यहाँ पे ये दो टिप दिखाई दे रही, वहाँ पर एयर स्पीकर के दो पॉइंट है। तो पहले हम बात करेंगे स्पीकर की। तो यहाँ से हम सब बोर्ड पहले चेक करेंगे, सब बोर्ड से कनेक्शन ओके है या नहीं। यहाँ तक कनेक्शन ओके होगा तो यहाँ पे देख लो, इस तरह यहाँ पे कंपोनेंट लगाकर इस आईसी पे उसका कनेक्शन गया है। पहले इस कॉइल पे वीपीएच पावर देखना पड़ेगा, वीपीएच पावर अगर नहीं मिलेगी तो ये लाइन कहाँ से आ रही है। इस तरह इस आईसी को हम चेंज करना पड़ेगा, ये पावर आईसी है, इसको चेंज करना पड़ेगा। पहले तो एक कॉइल चेंज करके देखने पड़ेगी कि यहाँ पे वीपीएच बन रहा है या नहीं। इस पहले इस कॉइल को चेंज करेंगे, ज़्यादातर एक कॉइल ही ख़राब होती है, नहीं तो बाद में इस आईसी को हम रिवॉल्व करेंगे या चेंज करेंगे। तो इस तरह से दो रजिस्टर लगकर ये कनेक्शन इस आईसी पे गया है। ज़्यादातर ये आईसी खराब होता है, नहीं तो कनेक्शन वाटर डैमेज की वजह से ये कंपोनेंट खराब होता है। तो पहले इधर चेक करेंगे यहाँ पे जी आ रहा है या नहीं। यदि ओएल आएगा तो मान लो कि यहाँ का कंपोनेंट खराब हो चुका है, तो यहाँ पर हम दूसरा लगा सकते हैं दूसरे बोर्ड से निकाल कर। अब हम माइक का देखेंगे, ये माइक की दो लाइन है, VIS और ये पॉजिटिव, ये हमारी जा रही है इस आईसी पे। ये कौन सी आईसी है देखने के लिए हमें सिमेटिक ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो यही रिवॉल्व कर डालने से भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
ज़्यादातर इसके कंपोनेंट ही खराब होते हैं। यहाँ से बिहारी ये लाइन आती है 1.8 की। VPH पावर भी आता है, VPH पावर 3.8, इसके लगभग वोल्टेज आएगा। और ईयर स्पीकर की लाइन हमारी, ये देखो यहाँ पर एक कॉइल लगाकर, दो कॉइल लगाकर हमारा ईयर स्पीकर का कनेक्शन इस आईसी पे गया है। यहाँ पर दो कॉइल और एक डायोड भी होगा। ये देखो ये डायोड है, इस कॉइल से कनेक्शन आए हो, इसका ये डायोड, एक कैपेसिटर, एक कॉइल लगाकर हमारा कनेक्शन गया है। तो ये आईसी हमारा कौन सा है देखने के लिए हम सिमेटिक भी ओपन करेंगे, तो रेडमी 9 पावर, तो हम इसका सिमेटिक ओपन करेंगे, रेडमी 9 पावर। लेआउट माइक के कनेक्शन किस आईसी पे गए हैं, ईयर स्पीकर के किस आईसी पे गए हैं, और साउंड के किस आईसी पे गए हैं हम देखेंगे हमारा सिमेटिक ओपन करके। तो हमने लेआउट ओपन किया, देखो पहले हम पहले तो हम इस माइक के बारे में देखेंगे, हमारा माइक कौन से आईसी पे गया है। तो यहाँ पर लेआउट में जाकर हम देखेंगे कि U2201 इस आईसी पे हमारा माइक का कनेक्शन गया है। तो इसको डबल क्लिक करते हैं, सिमेटिक में जाकर यहाँ पे पेस्ट करके उस आईसी का पार्ट नंबर हम देखेंगे। माइक स्पीकर, ईयर स्पीकर, इसको ज़्यादा सिमेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी भी किसका फिजिकल डैमेज होता है उनके लिए ये वीडियो बनाए हैं मैंने। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो। तो फिर से हमने बॉर्न ओपन किया है, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले, ताकि नए नए वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और रिपेयर करने में कोई दिक्कत ना आएगी। जो नए भाई है हमारे टेक्नीशियन, उनके लिए वीडियो इस बुले तो हमारा पार्लर फिर से ओपन किया है, रेडमी 9 पावर माइक स्पीकर ईयर हमने ओपन किया है। तो सिमेटिक पीस का ओपन करेंगे, सिमेटिक हमारा ओपन हुआ है। हम इस माइक की लाइन इस साइड से पे गई है। तो लेआउट में हम सर्च किया था U2201, इस पे डबल क्लिक करके सिमेटिक में जाकर यहाँ पर पेस्ट किया, और सर्च किए करने पर
इसका पार्ट नंबर, इसका आईसी का नंबर, सब हमें डिटेल मिल जाएगी। तो ये WCD9370 ए आई सी का नंबर है, ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होगा। ख़राब हुआ, डैमेज हुआ फिजिकल, तो किसी बोर्ड से निकल कर हम लगा सकते हैं और हमारा माइक का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब स्पीकर की लाइन देखेंगे हम, वो स्पीकर की लाइन इस आईसी पे गई है। तो ए आई सी का पार्ट नंबर डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर ही, ये हमारा ये देखो एक कॉइल लगा है और कॉइल के आगे ए आई सी है। तो लेआउट में एक कॉइल लगी है, कॉइल के आगे ए आई सी। इसका पार्ट नंबर है U2402। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाकर सर्च में जाकर सर्च करते तो हमारे आई सी आ गए हैं और इस आई सी का नंबर है AW87519। ये हमारे आई सी का नंबर है। तो हम ये आई सी सर्च करके किसी बोर्ड से निकल कर हम लगा सकते हैं। देखो VPH पावर, यहाँ से एक कैपेसिटर लग और एक यहाँ कैपेसिटर ग्राउंड को लगकर एक कॉइल लगकर इस आई सी पे गया है। तो इस तरह से और एक एयर स्पीकर का भी, एयर स्पीकर की लाइन यहाँ से इस आई सी पे गई छोटी, कैमरे के बगल में छोटी वाले आई सी यहाँ पर गए। तो हम इसका भी पार्ट नंबर देखकर आई सी का नंबर पता लगा सकते हैं। तो ये U2401 यहाँ पर डबल क्लिक करके सर्च पे जाकर पेस्ट करके आप ये देख सकते हैं कि ये इस आई सी का नंबर क्या है, AW87359FCR। ये हम किसी भी मॉडल से उठाकर लगा सकते हैं, यानी कि फिजिकल डैमेज होगा तो ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होते, मोटर या डैमेज हुआ तो भी ये ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा माइक स्पीकर ईयर का सिमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।